आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक धर्रा योर इंग्लिश ट्रेनर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट कोरोना वायरस एज यू नो कि कोरोना वायरस का जो केसेस हैं हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हैं वो क्यों नहीं समझते कि जान है तो जहान है देश के प्रधानमंत्री हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं पूरी गवर्नमेंट है जनता है सभी लोग मिलकर बार बार कह रहे हैं कि आप लोग मान जाओ घरों से बाहर मत निकलो लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कुछ असामाजिक तत्व हाँ जी असामाजिक तत्व ही उनको मैं कहना चाहूँगा क्योंकि वो अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं जैसे कि आपके अधिकार होते हैं वैसे ही हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं देश के लिए हम अधिकारों के लिए लड़ाई करते रहते हैं हमेशा कहते कि भाई हमें अधिकार चाहिए हमें हमारे साथ ये असमानता की जा रही है हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है जितना हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं क्या हम अपने कर्तव्य के लिए लड़ते हैं हम गवर्नमेंट को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती सरकार कुछ करना चाह रही है आप लोगों के लिए लेकिन फिर भी आप लोग क्यों नहीं समझते क्यों अपने घरों से बार बार बाहर निकल रहे हो बार बार आपको पता है कि जो विदेश आपके सामने खुद न्यूज़ हैं और न्यूज़ में आपने देखा कि किस कितनी बुरी तरीके से वहाँ पर जो मोर्टैलिटी रेट हो बढ़ता जा रहा है दिन में हजारों की संख्या में लोगों की डेथ होती जा रही है चाइना अमेरिका स्पेन इटली मोस्टली देसी मतलब ऐसी कंडीशन है वहाँ पर रोडों पे हाँ इसका क्या करूँगा रोडों पे यानी सड़क पे वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं लाशें ऐसे हैं कि मतलब लोग लेने वाले नहीं हैं उनको इतना बुरा हाल हो रखा है अब वहाँ के डॉक्टर्स ने भी वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्हें भी मना कर दिया कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए हैं तो क्या आप चाहते हो देश में भी ऐसा ही हो जाए ऐसे जो देश हैं इनकी आबादी ज़्यादा नहीं है पाँच छः छः करोड़ के आसपास इनकी आबादी हैं लेकिन फिर भी ये देश जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छे हैं फिर भी ये लोग बिल्कुल हाथ उठा चुके हैं और सोच के देखो अगर भारत में ये चीज़ फैल जाती है 125 करोड़ की जनसंख्या है और जब 125 करोड़ में फैलेगा तो देश का क्या हाल होगा आई थिंक आपको लगता है कि हम तक ये वायरस नहीं पहुँच सकता मैं बार बार मैं नहीं सिर्फ हमारा पूरा देश एक एक लोग हमारे जो एक्टर्स हैं हमारी गवर्नमेंट है हमारी सरकार हर एक इंसान आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़ के घरों से मत निकलो लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे इस बात को अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि वो किसी जो मस्जिद में बहुत सारे लोग 2,500 इकट्ठे हो रखे थे और उनमें से 10 की मौत भी हो चुकी है 400-500 जो लोग हैं उनमें से इन्फेक्टेड मिले हैं और कुछ तो वहाँ से भाग गए हैं निकल के और वो देश में इधर घूमेंगे अब सोच के देखो वो कितने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे कितना ज़्यादा मतलब मैं मतलब सच बताऊँ मैं इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही है घर पे तो बैठा हूँ लेकिन घर में बैठे बैठे मन ऐसा कर रहा है पता नहीं क्यों लोग अनपढ़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं हम हर बार कहते हैं देश के लिए जान दे देंगे देश के लिए मर जाएंगे देश के लिए हम ये कर सकते हैं जब करने का वक्त आया है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी आर एजुकेटेड वी आर सेइंग दैट वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट बिहेविंग वी आर नॉट एक्टिंग लाइक एन एजुकेटेड पर्सन सो वेयर इज आवर एजुकेशन क्या इसको हम एजुकेशन कहेंगे क्या हम कह सकते हैं वी आर एजुकेटेड क्या हम एजुकेटेड हम मतलब एक देश बार बार हर एक इंसान आके रिक्वेस्ट कर रहा है देखो इस बात को समझो अभी कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है लाइफ लॉन्ग कर्फ्यू नहीं लग सकता देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए एक दिन ऐसा आएगा मैं बता नहीं सकता कि अगर मान लो सभी लोग अगर इससे इन्फेक्टेड हो गए सोच के देखो अगर अब कब तक हम कर्फ्यू लगा सकते हैं सोच के देखो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कभी तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा ना और ऐसी बीमारी फैलती रही ऐसी कंडीशन में आप बाहर निकालोगे जब देश के पास पैसा भी नहीं बचेगा आपके लिए खाने के लिए जो अनाज वनाज सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम ज़्यादा समय तक घर में कैद नहीं रह सकते तो एक बार मिलकर पूरी यूनिटी के साथ एकता के साथ सभी घरों में रहिए बिल्कुल जब हद बिल्कुल मजबूरी हो जाती है कि हाँ भाई अब तो मुझे सामान लेने के लिए कुछ चीज़ें लाने के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा तब पूरी सेफ्टी के साथ निकलिए लोग छोटे छोटे कामों के लिए बार बार अभी बाहर घूम रहे हैं आपके जितने भी काम होते हैं उनको इकट्ठा करिए कि हाँ भाई ये काम है मुझे एक ही बार में जब मैं बाहर जाऊँगा तो निपटा के आऊँगा राशन पानी लेके आना है कोई भी सामान लेके आना है तो एक ही बारी में जाइए बार बार मत जाइए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार मत जाइए मुँह को कवर करें हाथ दो ये तो आपने बार बार सुना होगा बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इंडिया यू आर सेइंग दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट व्हाट द हेल यू आर आई एम मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्यों अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं ठीक है तो ये वीडियो सिर्फ मतलब एक तरीके से मैं गुस्सा भी अपना जाहिर करना चाह रहा था कि एजुकेटेड होकर भी आप एजुकेटेड लोगों वाला बिहेव नहीं कर रहे हो सो इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी प्लीज़ स्टे एट योर होम्स डोंट गो आउटसाइड जो आउटिंग करने का जो टाइम आएगा हमारे पास आएगा हम फिर से हम पहले से हमारी ज़िंदगी होगी लेकिन अभी समय है अपनी देशभक्ति कैसे दिखाने का सिर्फ घर पे बैठने का दिस इज़ कोरोना वॉर व्हाट इज़ दिस दिस इज़ कोरोना वॉर ये युद्ध है एक और इस युद्ध को हमें बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए नहीं कहा किसी ने ना ही हमें जाना वहाँ पर देश के लिए सैनिक हमारी जान दे देते हैं दुनिया भर के देश जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं लेकिन सिर्फ आपको क्या कहा जा रहा है
कि अपने घर पर रहिए, यही सच्ची देशभक्ति है। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं जो आपको वो मैसेज देना चाहता हूँ। ध्यान रखना हमेशा, बार बार एक ही बात कहूँगा मैं कि घर पर रहिए, सेफ रहिए, लोगों को सेफ रखिए, अपने देश को बचाइए। अगर हमारे देश में फैल जाता है तो हमारे देश में कंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं आएगी, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ना तो हमारे पास आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, ना ही हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएँ। जब बड़े बड़े देशों का ऐसा हाल हो गया है तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? ध्यान रखना, पूरे विश्व का फ्यूचर अब भारत देश के ऊपर डिपेंड करता है। और भारत देश कौन है? आप लोग ही भारत देश हो। आप जो देश की जनता है वही भारत देश है। तो जो सदियों से इतनी बड़ी जो परंपराएं, संस्कृति हैं, और हमारे देश का जो पूरा पूरा जो दुनिया हमारे देश का सम्मान कर रही है, सब ने हाय हेलो करना छोड़ दिया है, अब सभी नमस्कार कर रहे हैं। तो आप भी अपने देश को गर्वान्वित कराने के लिए, इसे गर्व महसूस कराने के लिए, प्लीज़ घर पर रहिए और अपने देश का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करिए। और एक सही मौका है आपके पास क्या करने का? अपनी देशभक्ति दिखाने का। इस बात की गहराई को समझना। देखो, अगर भारत में फैलता है तो आपके सामने, जब आपके परिजनों की, आपके सपोज करो एक छोटे से बच्चे को आपके घर में भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या आप देख पाओगे उस बच्चे को हॉस्पिटल में? ऐसी ऐसी कंडीशन है कि बच्चे को हॉस्पिटल में उसकी मतलब एक तरीके से कहोगे ना, ये दर्दनाक मौत है। सच बता रहा हूँ, दर्दनाक मौत है। ना तो आपको अपने बच्चे से मिलने दिया जाएगा। आपका बच्चा जिसको आप हमेशा अपने छाती से लगा के रहते हो, गले लगा के रहते हो, इतना प्यार करते हो, उसके प्यार की खातिर अपने घर से मत निकलिए। सोच को सपोज करो कि अगर उस बच्चे को हो जाता है कोरोना वायरस, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? सोच के देखो, आपकी नज़रों से दूर कर दिया जाएगा, छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसको मतलब आप दूर से भी नहीं देख पाओगे, ऐसी कंडीशन होगी। अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर उसकी कोरोना की वजह से डेथ हो भी जाती है, तो आपको, आप ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, ऐसी कंडीशन होगी। ध्यान रखना, मास्क पहनना वेंटिलेटर के मास्क पहनने से बेहतर है, घर पर रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है, और हाथ धोना जान से हाथ धोने से बेहतर है। बाकी आप इतने समझदार हो और भारतवर्ष का नाम आप अपने पूरे वर्ल्ड में रोशन करना चाहोगे, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हार्टेड रिक्वेस्ट अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, स्टे एट योर होम्स, बी सेफ, बी हेल्दी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए सोचिए। और जान है तो जहान है। धन्यवाद।